स्वागत करते हैं एनीवे समाधान के एक ऑन लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट, और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें पेपर फर्स्ट चल रहा था, और जो हमने आज यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, हम यूनिट स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर तीन के अंदर। जो हमारा पहला ही टॉपिक आता है वो आता है संकरण। क्या आता है? संकरण आता है। कि संकरण होता क्या है? जिस प्रकार से हमने यूनिट नंबर एक व दो के अंदर परमाणु को पढ़ा था, आपको पता है कि ये कोई भी परमाणु का नाभिक होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं, कोई कक्षक होते हैं। सबसे जो बाहर का जो कक्षक होता है उसे क्या बोलते हैं? बाह्यतम कक्षक। और इसी को क्या कहते हैं? संयोजकता कोश। जब किसी परमाणु की अगर बात करें बाह्यतम कोश और संयोजकता कोश, और वो कैसे होने चाहिए, जो भिन्न भिन्न आकृति के हो सकते हैं परंतु समान ऊर्जा के होने चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न आकृति के हो सकते हैं परंतु होने क्या चाहिए? समान ऊर्जा स्तर के होने चाहिए। जब उनको परस्पर क्या किया जाता है? मिश्रित क्या किया जाता है? परस्पर उनको जब मिश्रित किया जाता है तो उनसे क्या बनते हैं? नए कक्षक। क्या बनते हैं? नए कक्षक। क्या बनते हैं? नए कक्षक। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण। ये प्रक्रिया कहलाती है संकरण। और ये जो कक्षक बने हैं इसे क्या कहते हैं? संकर कक्षक। ये प्रक्रिया जो कहलाती है संकरण, और जो कक्षक बने होते हैं कहते हैं संकर कक्षक। ये जो संकर कक्षक होते हैं इसके तीन गुण होते हैं। देखिए, पहले गुण की अगर बात करें सभी समान ऊर्जा के होंगे। दूसरे अगर गुण की बात करें समान आकृति। और सबसे इंपॉर्टेंट गुण है दिशात्मक होते। क्या होते हैं? सभी दिशात्मक होते हैं। देखिए, संकरण कक्षा के अंदर एक और आता है प्रश्न उठकर आता है, क्वेश्चन अगर बनाने की कोशिश करें, ये जो प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो, जो ऊर्जा आप दोगे वो क्या होगी? अवशोषित कर ली जाती है। फिर मन में प्रश्न आता है तो ये किस प्रकार से कक्षकों का निर्माण करते हैं, नए संकर कक्षा निर्माण करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका गुण आता है दिशात्मक। कौन सा गुण आता है? दिशात्मक। अगर मैं दिशात्मक गुण की अगर बात करूं तो ये इससे क्या होता है, जब दिशात्मक गुण आ जाता है तो ये करते हैं प्रभावी अतिव्यापन। क्या करते हैं? प्रभावी अतिव्यापन। प्रभावी क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। किसके कारण? दिशात्मक प्रकृति के कारण। दिशात्मक प्रकृति के कारण क्या करते हैं? ये प्रभावी अतिव्यापन करते हैं, और इससे इतनी ऊर्जा अवशोषित होती है, इतनी ऊर्जा निकलती है इससे कि यह पुराने कक्षकों से नए कक्षक बनाने के बाद भी इसके पास क्या रह जाती है? शेष ऊर्जा रह जाती है, जिससे क्या होता है, इसके बंध, जो हम संकर कक्षकों की बात करते हैं इसमें जो बंध होते हैं वो मजबूत होते हैं। दिशात्मक प्रकृति के कारण से प्रभावी अतिव्यापन होता है, जिससे क्या होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे क्या होते हैं, बंध मजबूत। बंध क्या होते हैं? इसके मजबूत होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं संकरण कक्षकों के कुछ गुणों के बारे में। किसके बारे में? संकरण। देखिए, जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे संकरण के कुछ नियमों की बात करने वाले हैं। अगर बात करें संकरण के पहले नियम की बात करें तो संकरण में जो नए कक्षक बनते हैं, जिस ऊर्जा स्तर के बनते हैं, और जो कक्षक हम किसी क्वांटम संख्या के लेंगे उसी मुख्य क्वांटम संख्या के जिसके वो परमाणु या आयन है,
क्या करेंगे, जो हमारे पास जो कक्षक ले रहे हैं समान ऊर्जा स्तर के, लगभग समान ऊर्जा स्तर के जो कक्षक ले रहे हैं ना, उसी क्वांटम संख्या के लेंगे जिस क्वांटम संख्या के क्या हो, परमाणु या आयन हो। अगर बात करूं मैं उसके दूसरे नियम की, तो जितने हम हमारे पास क्या होंगे संकरण के बाद जितने कक्षक बनने वाले हैं, और संकरण में जो बनने के कारण संकरण में जो भाग ले रहे थे जो पहले कक्षक, उन जो संकरण वाले कक्षक हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इन दो बातों को लिख लेते हैं। पहली बात को लिख लेते हैं कि संकरण में भाग लेने वाले लगभग समान ऊर्जा के कक्षक उसी क्वांटम संख्या के होने चाहिए जिसके वह परमाणु या आयन हो। पहली बात लिख दी, इसकी पहला नियम लिख दिया। दूसरा मैंने नियम क्या कहा था, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक और संकरण से पहले जो कक्षक थे जितने हमने भाग काम में लिए थे हमने, और संकरण के बाद जो नए कक्षक बने हैं संकरण के बाद में, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संकरण से पहले वे बाद के कक्षकों की संख्या समान या बराबर होनी चाहिए। अब तीसरा, अगर मैं नियम की बात करूं, तो किसी भी हम जो परमाणु की बात करें, संकरण की बात करें, तो किसी का निश्चित नहीं होता है। रासायनिक वातावरण के कारण क्या होता है, उनका संकरण क्या हो जाता है, बदलता रहता है। अगर इसी प्रकार जैसे बात करें, हम C2H6 की बात करते हैं, एथेन की बात करें, तो और दो हाइड्रोजन और कम करें तो हमारे पास आता है एथिलीन, फिर एक हाइड्रोजन को और कम करें तो हमारे पास एसिटिलीन आता है। अगर इनको क्रम से देखा जाए तो इनमें 3, 2, 1 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उनका संकरण भी क्या होता है, sp3 sp2 व sp1 होता है। और अगर चौथे नियम की बात करें, जो ये संकरण है ना, वो क्या बताता है, इसकी बंध सामर्थ्य को बताता है। किसको बताता है, बंध सामर्थ्य को बताता है, वह ज्यामिति को भी दर्शाता है। किसी संकरण किसी का भी संकरण निश्चित नहीं होता है, क्योंकि रासायनिक वातावरण के कारण यह बदलता है। ठीक है, अगर जैसे बात करते हैं H2S6 की, एथेन की, H2S4 की, एथिलीन की, और बात करें H2H2 की, एसिटिलीन की। ठीक है, तो इनमें देखोगे क्रम से अगर कार्बन देखा जाए क्रम से, तो इसके अंदर 3, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 1 से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनका संकरण भी याद होता है क्रम से, sp3 sp2 व sp। ठीक है, चौथे की अगर बात करोगे तो संकरण क्या बताता है,
ज्यामिति वे बंद सामर्थ्य हो। ठीक है, पांचवा अगर बात करें, पांचवा क्या होगा कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिल जाते हैं। वैसे संकरण को इलेक्ट्रॉन अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन जो बताने का क्या कार्य करते हैं, बस इतना ही कार्य करते हैं कि वो कक्षक अर्धभरित है, पूर्ण भरित है या संपूर्ण खाली है। जब संकरण करवा दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि वो अधिक से अधिक क्या हो, अयुग्मित संख्या में हो। ठीक है, देख लेते इस बात को भी, इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते हैं केवल क्या बताते हैं, पूर्ण है या अर्ध है या क्या है, खाली। ठीक है, संकरण के बाद इस प्रकार क्या हो जाते हैं, वो व्यवस्थित हो जाते हैं कि अधिक संख्या में क्या रहे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। छठे की बात करते हैं, देखिए जब छठे की हम बात कर रहे होते हैं तो संकरण में क्या होता है, सभी कक्षक और उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। परंतु इसकी हम त्रिविम के अंदर बात करें, 3D के अंदर बात करें, तो इनका विन्यास क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कक्षक का आकार वे ऊर्जा समान परंतु त्रिविम विन्यास क्या होता है। सातवीं बात कर लेते हैं, अब देखिए किसी के जो संकरण आता है ना वो क्या बताता है, उसमें कक्षकों की संख्या को भी दर्शाता है। अगर मैं बात करूँ sp3 की, तो sp3 की बात करूँ उसमें s में s का कितना कक्षक है, एक है, और p के बाद करोगे उसमें तीन है। अगर sp2 की बात कर रहे हो तो s का एक है और p की अगर बात करो उसके दो कक्षक है। संकरण क्या बताता है, संकरण कक्षकों की संख्या। जैसे मैं बात करें, मैं बात करूं किसी का sp3 संकरण है, तो उसमें बात करें s के कक्षक कितने हैं, एक है, और अगर p3 की बात करूं, p के कक्षक इसमें कितने हैं, तीन है। इसी प्रकार से sp2 की आप बात करोगे, s के कक्षक है इसके अंदर एक, और p के कक्षक कितने हैं इसके अंदर, दो। ठीक है, इस प्रकार से क्या बताते हैं, ये जो संकरण होते हैं ना वो क्या बताते हैं, कक्षकों की संख्या को बताते हैं। आगे अगर बात करें तो इन कक्षकों के हम प्रकारों की बात करें, संकरण के प्रकारों की बात, sp3 की बात करते हैं, sp2 sp1 की भी बात करने वाले हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे अलग अलग कक्षकों के संकरण की बात करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के संकरणों की बात करने वाले, इसमें हमारा पहले संकरण आ जाता है sp संकरण। क्या जाता है, इसके अंदर sp संकरण आ जाता है। मैंने संकरण के जो नियम थे उस नियम के अंदर हमारा जो अंतिम टॉपिक था, मैंने कहा था आपको जो संकरण क्या बताते हैं, कक्षकों की संख्या बताते हैं। तो इसमें अगर बात करें कक्षक की, तो s का कक्षक कितना है, इसके अंदर एक है, और p का भी इसके अंदर कक्षक कितना है, एक है। ठीक है, बात करते हैं इसमें कोण की। मैंने कहा था एक तो ज्यामिति बताता है संकरण, एक क्या बताता है उसके अंदर बंद कोण बताता है। कोण की अगर बात करोगे 180 डिग्री है सेल्सियस, और अगर ज्यामिति की बात कर लोगे क्या हो जाता है, रेखीय। ये दो बात,
पहली तो ये बात है, जो sp जो संकरण है उसके अंदर s और p के अक्षर दो होते हैं, कौन है इसके अंदर 180 डिग्री होता है, ज्यामिति इसकी रेखीय होती है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल आता है BClO2, इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, BClO2 की बात करें, बेरिलियम डाई क्लोराइड की बात करने वाले हैं। अगर इसकी मैं बात करता हूँ, पहले हम लिखते थे बेरिलियम आता कितने नंबर पर है, बेरिलियम आता चार नंबर पर, कितने पर आता है, चार पर, ठीक है। पहले इसका एफपीसी नाम लिख लेते हैं 1s2, 2s2 और 2p0, यहाँ पे क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है। जब इसमें संकरण करवाया जाता है, मैंने ये कहा था कि ये कोशिश करता है, क्या करता है कि अधिक से अधिक क्या रखे, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखे, क्या रखे, ये अयुग्मित अपने पास क्या रखे, इलेक्ट्रॉन रखे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखे। इसका अर्थ क्या होता है, जब मैं इसके संकरण की बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन चल कर किस में चला जाता है, पी में चला जाता है, इस प्रकार से किस में चला गया, संकरण की अगर बात करोगे तो एस से किसके चला अंदर चला जाता है, पी के अंदर चला जाता है। और जो क्लोरीन है ये इसका पी एक्स कक्ष की बात कर लें, और क्लोरीन की बात करोगे, इसके संकरण की बात करोगे, पी जेड कक्षक तक होता है। अब जो क्लोरीन का जो पी जेड कक्षक है वो बी एक्स पी एक्स की बात करें बेरिलियम, उसके साथ क्या कर लेता है, अतिव्यापन, क्या कर लेगा, ये अतिव्यापन, और अतिव्यापन क्या करके क्या बना लेगा, sp संकरण बना लेगा। ये तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है, संकरण के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पी कक्ष में चला जाता है, दोनों के अंदर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये पी एक्स में चला जाएगा। फिर जो हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन के अंदर जो वो क्या होता है, पी जेड कक्षक में रहता है क्लोरीन, उसके साथ क्या कर लेगा, ये बेरिलियम अतिव्यापन कर लेगा, और अतिव्यापन करने के बाद ये क्या बना लेगा, कुछ इस प्रकार से क्या बनाता है, रेखीय बंध बना लेता है, इस प्रकार से क्या बना लेता है, इस प्रकार से रेखीय बंध बना लेता है। परंतु अगर नोट की बात करें, ये सभी सभी क्या आते हैं, सेकेंड ग्रुप के अंदर आते हैं। परंतु मैं बात करूं हीलियम की, किसकी बात करता हूं, हीलियम की, हीलियम न इस प्रकार से संकरण नहीं दर्शाता, रीजन क्या होता है, अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से इसका संकरण होता है 1s 2s 0। जब हम बात करते हैं इसकी 1s और 2s की बात करते हैं, इनमें ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या करता है, यह जो इलेक्ट्रॉन है s1s के अंदर 2s के अंदर नहीं जाता, और ये संकरण नहीं दर्शाते हैं। इनमें क्या होता है, ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है, ऊर्जा का अंतर अधिक, ठीक है। और इन दोनों की जो संरचनाएं हैं वो आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। ये मैंने BClO2 का बता दिया, इसी प्रकार से होगा कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो जाएगा, दोनों की संरचना आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, उसको पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और आज जो हमने पढ़ा था संकरण में संकरण के नियमों के बारे में पढ़ा था, नियम एक बार आपको पुनः बता दिए जाएंगे कि पहला हमारा जो नियम क्या था, कि मैंने कहा कि हम जो भी कक्षक लेंगे वह उसी क्वांटम संख्या के होंगे, कक्षक जो समान ऊर्जा स्तर के ले रहे हैं ना, लगभग समान ऊर्जा के, उसी क्वांटम संख्या होंगे जिस क्वांटम संख्या के वो परमाणु या आयन है। संकरण से पहले और संकरण के बाद जो बनने वाली कक्षकों की संख्या समान होती है, उनमें ऊर्जा और जो कक्षक का आकार समान होगा, परंतु त्रिविम में उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी। किसी का भी संकरण निश्चित नहीं होता है। अगर बात करें क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें रासायनिक वातावरण में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं एथेन की, एथिलीन की, एसिटिलीन की बात करते हैं, क्रम से वो 3, 2, 1 कार्बन से जुड़े रहते हैं, उनका संकरण होता है sp3 sp2 sp1 होता है। और संकरण है वो क्या बताते हैं, बंध कोण को बताते हैं और ज्यामिति को बताते हैं। ये काल्पनिक अवधारणा है, इसका कोई वैसे वैचारिक है नहीं, सिर्फ तथ्यों को हम ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉन का संकरण में कोई वैसे विशेष रूप से भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ केवल यह बताते हैं संकरण के अंदर को कक्षक है,
वो अर्ध भरित है, पूर्ण मृत या पूर्णतः खाली है, परंतु संक्रमण के बाद में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाते हैं कि अधिक से अधिक क्या हो, अयग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास उपलब्ध हो। आखिरी अंतिम वाले बात करूँ तो क्या करते हैं, संकरण कक्षकों के बारे में बताते हैं। अगर किसी sp3 संकरण है तो उसमें sk कक्षक एक होता है और pk कक्षक कितने पाए जाते हैं, 3। इसी प्रकार sp2 की आप बात करोगे तो sk कक्षक एक और pk दो कक्षक पाए जाते हैं। इसी क्रम में जो हमने पहला स्टार्ट किया था वो हमने sp कक्षक स्टार्ट किया था। मैंने कहा इसमें कक्षक कितने होते हैं, दो होते हैं, एक s का व p का होता है। ज्यामिति की बात कर लो, 180 डिग्री कौन होता है इसका, और सॉरी कौन 180 डिग्री होता है, ज्यामिति इसकी रेखीय होती है। इसी के अंदर दो उदाहरण होते हैं BCl2 और CO2। BCl2 की बात करें, 4 नंबर के अंदर संक्रमण के बाद इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है अयग्मित अवस्था के अंदर PX के अंदर चला जाता है, जो आगे चले क्या करता है, क्लोरीन के PZ कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन और रेखीय बंध बना लेता है, जो sp संक्रमण दर्शाता है। परंतु हीलियम नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि 1s से 2x कक्षों में ऊर्जा अंतर अधिक होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s से 2s के अंदर नहीं जा पाता, इस कारण संकरण वो नहीं दर्शाते हैं। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर इसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।